हाय स्टूडेंट्स, अभी भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है जैकपॉट प्रोवाइड करने वाला हूँ। पूरा क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस ए टू जेड, मतलब बोर्ड्स प्लस JEE, नीट, मेंस, एडवांस, एम्स, जो भी है, ए टू जेड पूरा सिलेबस क्लास ट्वेल्थ का मैं आप लोगों को जो है इस साल यूट्यूब पर देने वाला हूँ बच्चों। तो इस सफ़र में जो है बच्चों आप लोग जुड़ जाओ, आप लोगों को मेरी तरफ से जितना हो सकता है उतना मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। हाय स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 1 माइक्रोकूलम एंड 2 नैनोकूलम चार्ज सेपरेटेड बाय 3 mm। यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को ये यूनिट्स के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता था, इसलिए क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग देख रहे हैं। जो चार्जेस हमें गिवन है दैट इज 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10^-6, और दूसरा जो चार्ज है दैट इज 2 नैनोकूलम, नैनो का मतलब होता है 10^-9, और डिस्टेंस जो है वो है 3 mm, मिली का मतलब होता है 10^-3, ठीक है। तो जब हमें Q1, Q2 और R मिल गया तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स K Q1 Q2 / R², और ये हो जाएगा 9 × 10^9। Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 10^-12। डिस्टेंस जो है वो है 3 × 10^-3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे जो है हमारे पास 10^-6 है, ये -6 हो जाएगा, ठीक है, और 9 - 6 इज 3, इतना न्यूटन फोर्स जो है दैट इज 2000 न्यूटन फोर्स चार्जेस के ऊपर लग रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स सच दैट द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन कैप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टू पार्ट्स। तो सपोज क्यू चार्ज जो है उसके मैंने दो पार्ट्स किए, फर्स्ट पार्ट जो है स्मॉल क्यू है, तो जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा Q - Q। अब सपोज इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो R है, तो जो फोर्स है वो कितना होगा, K Q1 Q2 / R², इतना फोर्स होगा। तो इसको अगर हम लोग जो है थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, K / R² साइड में रख दिया होगा Q × Q - Q², तो इतना फोर्स है अभी R डिस्टेंस पे अगर चार्जेस हैं। तो बोला है कि फोर्स शुड बी मैक्सिमम, तो हमें मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम इट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल शुड बी जीरो। बच्चों मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन है कि जिस चीज़ का भी मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, और यहाँ पे वेरिएबल जो है वो स्मॉल क्यू है, क्योंकि ये वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। तो जो है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें इस इक्वेशन को, तो K / R² जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू हो रहा है, तो स्मॉल क्यू का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और Q² का डिफरेंशिएशन है 2Q = 0। तो यहाँ से ये 0 के साथ 0 हो जाएगा और हमें मिलेगा Q = 2Q विच एम्प्लाइज स्मॉल क्यू इज कैपिटल Q/2। तो एक पार्ट अगर Q/2 है तो दूसरा पार्ट भी Q/2 होगा, तो इस प्रकार से जो वैल्यूज है वो है Q/2 और Q/2, ठीक है। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी रिपेल विद अ फोर्स दिस मच। ये एक मेटल स्फीयर है ए और ये दूसरा मेटल स्फीयर है बी, इन दोनों के बीच में फोर्स जो है हमें इतना गिवन है। सपोज जो इस पे चार्ज है वो क्यू है और इस पे भी चार्ज क्यू है, क्योंकि लिखा है इक्वली चार्ज्ड, और डिस्टेंस जो है वो कितना है आर। तो हमें पता है कि अगर डिस्टेंस आर है तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 / R², और ये वैल्यू हमें गिवन है 2 × 10^-5 N, ठीक है। अब बोला है अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज टच्ड टू ए। हमें पता है कि जब हम कोई भी अनचार्ज्ड बॉडी जो सी है उसको ए से टच करेंगे
इस पे चार्ज जीरो है क्योंकि अनचार्ज है, इस पे चार्ज क्यू है। तो जब टच करेंगे तो जो चार्ज होगा वो होगा क्यू प्लस जीरो बाई टू, दैट इज़ क्यू बाई टू। और ये जो क्यू बाई टू चार्ज होता है किस पे होता है, ऑन बोथ बॉडीज, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब जो सिचुएशन, और फिर उसको टच करने के बाद मिड पॉइंट पर रख दिया, ए और बी के बीच में रख दिया है, तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑन सी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस प्रकार से, ये ए है, ये बी है, और सी को हमने यहाँ पे बीच में रख दिया, सपोज दिस इज सी, ठीक है। इस पे चार्ज क्यू बाई टू हो गया, इस पे चार्ज क्यू बाई टू हो गया, और इस पे क्यू चार्ज है अभी, और मिड पॉइंट पे रखा है, तो ये डिस्टेंस आर बाई टू हो जाएगा और ये डिस्टेंस आर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं तो सी को रिपेल करेंगे, तो सपोज ए जो है वो इस साइड फोर्स लगा रहा है, दिस इज एफ वन, और बी जो है वो इस साइड फोर्स लगा रहा है, दैट इज एफ टू, ठीक है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो नेट फोर्स होगा दिस माइनस दिस होगा। तो अब क्योंकि बी का चार्ज ज़्यादा है तो बी फोर्स ज़्यादा लगाएगा, तो नेट फोर्स होगा एफ टू माइनस एफ वन, तो नेट फोर्स ऑन सी इज एफ इज इक्वल टू एफ टू माइनस एफ वन। एफ टू जो है वो इन दोनों के बीच का फोर्स है, दैट इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस आर बाई टू है, आर बाई टू का स्क्वायर, माइनस इन दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट इज एफ वन, और वो है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर बाई टू का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, एक टू कट जाएगा, हो जाएगा टू टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये फोर और फोर कैंसिल हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और हमें पता है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, दिस इज टू इंटू टेन पावर माइनस फाइव न्यूटन। तो बच्चों ये फाइनल आंसर था, और यहाँ पे आप लोगों को जो है कंडक्शन का एग्जांपल पता चला और साथ में फोर्स का कॉन्सेप्ट मिला, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज एफ, तो ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, सपोज ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, डिस्टेंस इनके बीच में R है एंड द फोर्स इज F, तो F विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस इफ हाफ ऑफ द स्पेस इज फिल्ड विद अ डायलेक्ट्रिक ऑफ कॉन्स्टेंट 4। अब जो सिचुएशन है उसमें कैसा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, पर जो हाफ स्पेस है दैट इज डिस्टेंस आर बाई टू, ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर बाई टू, सॉरी आर बाई टू, और ये जो डिस्टेंस है वो भी आर बाई टू है। हाफ स्पेस जो हमने डायलेक्ट्रिक से भर दिए, और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमें गिवन है दैट इज फोर। तो हमें पूछा है कि नया फोर्स क्या होगा, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है मीडियम है, इसको हम लोग एयर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो दैट डिस्टेंस इन एयर इज रूट के टाइम्स डिस्टेंस इन मीडियम फॉर फोर्स टू बी सेम। तो यहाँ पे रूट के मतलब रूट ऑफ फोर, और मीडियम में जो डिस्टेंस है दैट इज आर बाई टू, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें मिलेगा आर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है मीडियम में, इसका इक्वलेंट डिस्टेंस एयर में वो है आर, तो ये डिस्टेंस हमने आर कर दिया, ठीक है। जो r बाई टू था वो r हो गया, और ये r बाई टू अभी भी ऐसा कैसा है, यहाँ पे चार्ज q2 है, यहाँ पे चार्ज q1 है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो अब q1 और q2 के बीच में हो गया है इन एयर, दिस इज 3r बाई टू, इन दोनों का ऐड कर दो, तो इसका इक्विवेलेंट एयर में डिस्टेंस ये है बच्चों, ये पूरे का, ठीक है। तो अब जो फोर्स हो जाएगा नया फोर्स, दैट इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन थ्री आर बाई टू का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू फोर बाई नाइन के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और हमें पता है कि के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इज एफ, तो ये हो जाएगा फोर बाई नाइन एफ, तो द न्यू फोर्स इज दिस मच ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को गिवन है कि टू पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इनके बीच में जो फोर्स है दैट इज 100 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स हम लोग लिख देते हैं दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 100 न्यूटन हमें गिवन है। ठीक है, वन ऑफ द चार्जेस इज इंक्रीज बाय 10% वाइल द अदर इज रिड्यूस्ड बाय 10%। इसमें से हमने एक चार्ज को 10% बढ़ा दिया और दूसरे को 10% घटा दिया, तो नया फोर्स क्या होगा? तो बच्चों देखो, हमें पता है कि अगर कोई चीज़ पहले इनिशियली 100 है तो उसको 10% बढ़ाने का मतलब होता है 110, और अगर कोई चीज़ इनिशियली 100 है और उसको 10% घटाने का मतलब होता है 90। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग जो है दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे पॉइंट। तो अगर इनिशियली कोई वैल्यू 1 है तो वो 10% बढ़ेंगे तो 1.1 हो जाएगी, और इनिशियली वैल्यू 1 है तो 10% घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.9। ठीक है, तो जो चार्ज पहले 1Q1 था, ठीक है, 1 × Q1, अब उसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1.1 × Q1, क्योंकि हमने उसको 10% बढ़ा दिया। सिमिलरली जो वैल्यू पहले 1Q2 थी अब वो हो जाएगी 0.9Q2, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू 10% घटा दी। डिस्टेंस इज सेम, सो द न्यू फोर्स इज के Q1 की वैल्यू लिख दो, Q2 की वैल्यू लिख दो, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। 1.1 और 0.9 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.99, और ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 0.99, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 100, तो 100 × 0.99 इज 99 न्यूटन। ठीक है, सो द न्यू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज 10। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप लोगों को क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ दिस एंड दिस आर कैप्ट एट दिस एंड दिस। ठीक है, तो दो चार्जेस हैं, आपको पोजीशन दी हुई है और बोला है कि फोर्स फाइंड करना है टू पे इन वेक्टर फॉर्म। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बच्चों कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर में, कि जो फोर्स होता है वो होता है के Q1 Q2, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं R2 माइनस R1, और नीचे उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाता है। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला है। यहाँ पे ये जो R2 है, ये जिस चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है उसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और R1 जो है सेकंड चार्ज का पोजीशन वेक्टर होगा, और Q1 और Q2 को हम लोगों को साइन के साथ रखना, दोनों पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, तो 2 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा R2। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वेक्टर R2 इज इक्वल टू माइनस 1i माइनस 2j प्लस 4k। अगर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन ये होती है तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो 4 माइक्रोकूलम है उसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा दैट इज 5i प्लस 3j प्लस 4 प्लस √3 × k। अब अगर हम लोग R2 माइनस R1 फाइंड करेंगे पहले, तो R2 माइनस R1 विल बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा −1 −5 दैट इज −6i, यहाँ पे हो जाएगा −5j, और यहाँ पे हो जाएगा −√3k। और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे R2 माइनस R1 का, तो मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा √−6² + −5² + √3² और इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 36 + 25 + 3 √, विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 64 √, दैट इज़ 8। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हमको इसको रख देना है, तो k की वैल्यू है 9 × 10⁹, और Q1 Q2 is 2 × 4 that is 8, micro is 10⁻¹². R2 माइनस R1 की वैल्यू रख दो ये पूरी, −6i − 5j − √3k। ठीक है, और इसके बाद नीचे जो है मैग्नीट्यूड का क्यूब है, मैग्नीट्यूड 8 है, तो 8 का क्यूब is 8 × 8 × 8 लिख दो, 1 8 और 1 8 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 9 / 64,
इंटू 10^-3 और इसको ऐसे रहने दो -6i -5j -√3k। तो ये जो आंसर है इतना न्यूटन, दिस इज़ द फोर्स ऑन 2 μC चार्ज, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो ये पोर्शन सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर है बच्चों।